नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज सभी के मुंह पे एक ही बात है कि आखिर बिहार बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट 26 मार्च को जारी तो हो गया, लेकिन छात्रों को मार्क्स से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं जितने मार्क्स मिले हैं उनसे कोई भी छात्र यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद से कम मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे पूरी बात हम लोग करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड ने आखिर ऐसा क्यों किया। कि यहाँ पे देखिए, एक तो बिहार बोर्ड भी जानती थी, पूरा भारत जानता था, सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, कि लॉकडाउन के कारण छात्रों की पढ़ाई अधूरी रही है और अधूरी पढ़ाई पर टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और साथ ही साथ टाइम पर रिजल्ट भी जारी किया गया। जहां पिछले साल रिजल्ट 24 मार्च को जारी किया गया था, बिल्कुल उसी टाइम पर 26 मार्च को रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। यानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया है। क्या बिहार बोर्ड ये दिखाना चाहती है कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम कराने और रिजल्ट जारी करने में सबसे आगे है? क्या सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और रिजल्ट जारी करना ही बिहार बोर्ड का काम रह गया है? बिहार बोर्ड का ये काम नहीं है कि उसके छात्र जो है कहाँ तक पढ़ाई कर पाए हैं, क्या उनका सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या समय पर परीक्षा लेना उचित है या नहीं है। बिहार बोर्ड के अलावा भारत में किसी अन्य बोर्ड ने भी इस साल जो है बोर्ड के एग्ज़ाम अभी तक नहीं कंडक्ट करवाए हैं। यानी बिहार बोर्ड अकेला बोर्ड ऐसा बना है जिसने कोरोना लॉकडाउन के बाद भी एग्ज़ाम समय पे कंडक्ट करवाकर रिजल्ट जारी किया है। तो क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? यहाँ पे जो छात्र पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए थे वो भी छात्र एग्ज़ाम देने चले गए। अब किया भी क्या जा सकता है, जब बिहार बोर्ड का निर्णय आ गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तो खैर देना ही पड़ेगा। इसमें छात्र कर भी क्या सकते हैं, छात्रों की मजबूरी थी एग्ज़ाम देना। और एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट जारी होगा उसके बाद छात्र क्या करेंगे? अब तो उनका भविष्य बर्बाद हो गया ना। अब तो छात्र कहाँ जाएंगे, आखिर क्या करेंगे? अब तो आगे उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, जो उनके सपने थे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने का, इंटर के बाद कुछ अच्छा सोच रखे थे, वो सभी बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाने के कारण सब कुछ खराब कर दिया। और देखिए, यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत ही खराब रहा है। रिजल्ट की तुलना की जाए पिछले साल से, तो पिछला साल रिजल्ट जो है इससे कहीं गुना बेटर था। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वालों की संख्या भी ना के बराबर है, यानी मात्र 25% से भी नीचे रहा है फर्स्ट डिवीजन वाले छात्र। यानी 100 में 25 लड़का भी पास नहीं कर पाया है, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स नहीं ला पाया है। यानी आप 100 में 75 लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी कर दिए, यानी 74% लड़के अब कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनके भविष्य के साथ, इसका जवाब कौन देगा? बिहार बोर्ड इसका जवाब दे सकती है क्या? अपने रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आपने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया। किसी का एक विषय में क्रॉस लगा है, किसी का दो विषय में क्रॉस लगा है, छात्र का रो रो कर बुरा हाल है कि आखिर छात्र करे तो क्या करे, अब उनके साथ क्या होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमज़ोर छात्र ही यहाँ पे फेल हुए हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे फेल हो गए हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे लेकिन उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, इसी वजह से वो उतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन कुछ छात्रों का तो कहना है कि मैंने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी अच्छी कॉपी लिखी है, मुझे पूरे विश्वास है कि मुझे इतने मार्क्स आने चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड ने मुझे फर्स्ट डिवीज़न का भी मार्क्स नहीं दिया। अब यहाँ पर ये सारे छात्र जो है बिल्कुल घबराए हुए हैं कि उनका भविष्य अचानक से अंधकारमय हो गया है। बिहार बोर्ड को ऐसा उचित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जवाब तो बिहार बोर्ड को ही देना होगा कि अब बिहार बोर्ड के छात्र कहाँ जाएं। सभी को यहाँ अपनी पड़ी है, छात्रों की चिंता किसी को नहीं है, सभी को सत्ता की पड़ी है, छात्र आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हुआ है वो हुआ है समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के कारण, क्योंकि छात्रों को सीमा नहीं मिली, समय नहीं मिला कि पढ़ाई करने का। बिना पढ़ाई के कोई भी छात्र अगर एग्ज़ाम देने बैठे तो कोई अच्छा छात्र भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता है। बिना तैयारी के कोई बॉर्डर पर जाकर भी लड़ेगा तो भी वो मुंह की खानी पड़ेगी उसे। यानी बिना तैयारी के आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं? अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, रिजल्ट भी आ गया, आपका काम था आपने कर दिया, पेपर में नाम आ गया, इतने लोग टॉपर हुए, बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बना दिया कि कम समय में एग्ज़ाम कंडक्ट करा कर जहां अन्य राज्य एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई, इस तरफ बिहार बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। बिहार बोर्ड ने कारनामा कर दिखाया, कारनामा तो कर दिखाया, छात्रों के भविष्य के साथ कारनामा कर दिखाया। यानी रिकॉर्ड तो बना है, छात्रों के भविष्य के साथ
खिलवाड़ का रिकॉर्ड बना है कि छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं, उनके मार्क्स काफ़ी कम मिले हैं, जिन्हें जितना उम्मीद था उससे भी कम मार्क्स मिले हैं। जो अच्छे कॉपी लिख कर आए थे उन्हें भी मार्क्स से संतुष्टि यहाँ पर नहीं हो पा रही है। हालांकि ये तो छात्र को ही पता होगा उन्होंने कितनी लिखी है और उन्हें कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पे कमेंट में भी काफ़ी देखा जा रहा है, अधिकांश छात्रों का यही कहना है कि उन्हें मन मुताबिक मार्क्स नहीं मिले हैं। क्या उन्हें रीचेकिंग की सुविधा दी जाएगी? क्या बिहार बोर्ड की तरफ से इसका कुछ निर्णय लिया जाएगा? बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि उनकी तैयारी थी नहीं, आप बिना तैयारी का एग्ज़ाम लिए हैं। जो छात्र जो है अच्छे भी हैं उन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो ऐसे में जो स्टूडेंट एक या दो विषय में फेल हो गए हैं उन्हें क्यों ना इस बार भी प्रमोट कर दिया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो सके, वो उनका एक साल दो साल बर्बाद ना हो पाए और वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। आगे जो उन्हें एडमिशन लेना है वो आगे एडमिशन ले सके, किसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए और वो आगे भविष्य के में अपना कुछ कर पाए। क्योंकि अगर उन्हें फेल कर दिया गया है और अगर उनका एक साल बर्बाद हो गया है तो कहीं ना कहीं निराशा बहुत ज़्यादा है छात्रों में। कि निराशा इसलिए नहीं है कि उन्होंने फेल कर दिया गया है, निराशा इसलिए है कोई अच्छा स्टूडेंट अगर फेल हो जाए तो आप सोच सकते हैं उसकी मनोस्थिति क्या होती क्या होगी। जो पढ़ने में अच्छा नहीं है वो फेल हो जाएगा, उसे पहले से पता होता है कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन जिसकी समाज में अच्छी स्थिति है, स्कूल कोचिंग सभी जानते हैं कि लड़का काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में अच्छे मार्क्स लाएगा, अगर वो फेल हो जाता है तो सोचिए कि उसकी मनोस्थिति क्या रहेगी, क्या वो आगे अच्छा कर पाएगा भविष्य में। ये सोचने वाली बात है कि छात्रों के भविष्य के इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो बिहार बोर्ड को अभी चाहिए कि बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र जो हैं एक या दो विषय में फेल हो गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोट करने का फैसला लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो छात्र थोड़े बहुत मार्क्स से पीछे रह गए हैं, उनका फर्स्ट डिवीज़न छूट गया है, उन्हें भी यहाँ पर प्रमोशन दी जानी चाहिए, ताकि छात्रों का भविष्य यहाँ पे आगे अच्छा हो सके। क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों ने ही एग्ज़ाम दिया है, उनकी हिम्मत को तो दाग देनी पड़ती है। फैसला लेने वाला उच्च नहीं होता है, फैसले के साथ आगे बढ़ने वाला जो है वो ओहदे का अख्तियार होता है। यानी बिहार बोर्ड ने अगर टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है तो इसकी जो दाद देनी पड़ेगी वो यहाँ के छात्रों को देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के छात्र ने बिहार बोर्ड के निर्णय का स्वागत किया और उन्होंने एग्ज़ाम जो में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। उन्हें विश्वास था कि उनके साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट के बाद उनकी चेहरे की जो ये मासूमियत है ये कहीं ना कहीं उतर गई है। उन्हें लगता है कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कितना संतुष्ट हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपकी बात आगे तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।